सरल भारत संस्कृति जो आपको जोड़े भारत की संस्कृति से। दर्शकों, क्या आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चार धाम आपको मथुरा में ही मिल जाएंगे? जी हाँ, देश विदेश से भक्त जैन वृंदावन मथुरा के दर्शन करने आते हैं। अधिकांश लोग प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद समझते हैं कि उन्होंने ब्रज के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि ब्रज के 84 कोस के अंदर ही चारों धाम विद्यमान है। धार्मिक मान्यता है कि 80 वर्ष की उम्र में संतान प्राप्त करने के बाद नंद बाबा व यशोदा मैया ने चार धाम करने की इच्छा जताई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा यही पूरी करने के लिए सभी तीर्थों का आवाहन किया था, जिनमें चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुप्त काशी, यमुनोत्री व गंगोत्री ब्रज 84 कोस में मौजूद हुए। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर नंद बाबा व यशोदा मैया के साथ ब्रजवासियों को दर्शन देने भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए थे। एक पहाड़ी पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम है और अगल बगल में गंगोत्री यमुनोत्री का मंदिर बना हुआ है। 84 कोस परिक्रमा में एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेष नाग रूपी विशाल शिला के नीचे एक छोटी सी गुफा में विराजमान है। मंदिर करीब 500 फीट की ऊंचाई पर है व करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर पर पहुंचते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि 84 कोस परिक्रमा में ये चार धाम कहां पर स्थित है? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें।